जम्मू प्रांत में बढ़ती आतंकी गतिविधियों से निपटने के 19 नई आतंक रोधी इकाइयों को स्थापित करने का निर्णय किया है। प्रत्येक इकाई की कमान DSP रैंक के एक अधिकारी के पास रहेगी। जिला SSP या फिर जिला SP ऑपरेशन के नियंत्रण और निगरानी में काम करेगी। इन इकाइयों के गठन का निर्णय गत बुधवार को लिया गया है। ये भी एक महज संयोगी है। उस दिन NSG के तत्कालीन महानिदेशक नलिन प्रभात को AGM UT के अंडर में स्थानांतरित किया गया और अगले दिन उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक बनाया गया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि ये आतंकरोधी इकाइयां, जिन्हें पुलिस कंपोनेंट भी कहा जाता है, मूलतः जम्मू कश्मीर विशेषज्ञ अभियान SOG ही है। जम्मू प्रांत के कई जिलों में SOG की कई इकाइयों को बीते 15 साल के दौरान समाप्त किया गया है। अब इन्हें राजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, उधमपुर और कठुआ में फिर से सक्रिय किया जा रहा है। इन्हीं जिलों में बीते कुछ महीनों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। रियासी में जून में आतंकियों ने श्रद्धालु की एक बस पर हमला किया था। गत जुलाई में आतंकियों ने कठुआ में एक सैन्य दल पर हमला किया था और इसी माह डोडा में आतंकियों ने 2 जगहों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कठुआ के मल्हार बनी और मछेड़ी रियासी जिले के पौनी, रानसू, माहौर, चसाना और गुलाबगढ़ क्षेत्रों के अलावा सीमावर्ती पुंछ जिले के बफलियाज, बहराम, गला, मंडी, लौरान और गुरसाई क्षेत्रों में एक एक इकाई तैनात की जाएगी। POK से सावजिया और मेंडर सेक्टर में घुसपैठ करने के बाद पुंछ, राजौरी जिले या कश्मीर घाटी की तरफ जाने के लिए आतंकी मंडी, लौरन और गुरसाई के रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं। उधमपुर जिले के लाटी और पंचेरी, डोडा जिले के देसा, काश्तीगढ़ और असर, किश्तवाड़ जिले के दक्षण और द्रापशल्ला, राजौरी के कालाकोट और रामबन जिले के रामसू, चंद्रकोट, बटौत और सलंगदान, धर्मकुंड इलाकों में एक एक यूनिट तैनात की जाएगी। कठुआ, सांबा, रामबन और उधमपुर जैसे जिलों में कोई विशेष अभियान दल नहीं है। यहां तक कि जम्मू पिछ और राजौरी जैसे स्थानों पर जहां ये मौजूद था, वहां भी संबंधित जिलों के DSP मुख्यालय के अधीन ये काम कर रहा था, लेकिन सीमित मानव बल और संसाधनों के साथ। यहां ये बताना असंगत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सीमांत 960 जवानों को तैनात किया गया है। ये सभी सीमावर्ती इलाकों के ही रहने वाले हैं। इनमें से 560 जम्मू प्रांत के कठुआ, सांबा, जम्मू राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले हैं और इन्हें जम्मू प्रांत में ही सीमांत इलाकों में तैनात किया गया है।